लोकसभा चुनाव को कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को लोकसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में एक वारंट जारी कर दिया गया है। ये वारंट ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया है। लोकसभा चुनाव के पहले लालू यादव को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि ये वारंट आर्म्स एक्ट के मामले में जारी किया गया है, जो साल 1995 और 1997 के बीच का बताया जा रहा है, जिसमें फॉर्म 16 के तहत हथियारों की सप्लाई का आरोप लगा है। इसको लेकर पुलिस की जांच में लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आना बताया जा रहा है। और इसके साथ ही ये भी खुलासा हुआ है कि लालू प्रसाद यादव कोई और नहीं बल्कि बिहार के पूर्व सीएम ही है। इसको लेकर मध्य प्रदेश के ग्वालियर एमपी एमएलए कोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव की गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। विशेष लोक अभियोजक एमपी एमएलए कोर्ट ग्वालियर अभिषेक मेहरोत्रा ने इसके बारे में जानकारी दी है। माननीय विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी एमएलए ग्वालियर श्री महेंद्र सैनी साहब के द्वारा आरोपी लालू प्रसाद यादव के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए हैं। मामला वर्ष 1995-97 का है, जिसमें फॉर्म नंबर 16 फर्जी दस्तावेजों के आधार पर आर्म्स डीलर से एम्यूनिशंस परचेज किए गए थे और इनकी सप्लाई की गई थी। इसमें आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार के हैं, जिनके विरुद्ध पुलिस ने अनुसंधान करके कुल 23 आरोपी गण के विरुद्ध अभियोग पत्र पेश किया था, जिसमें आरोपी लालू प्रसाद यादव को फरार घोषित किया गया। विचारण के दौरान माननीय विचारण न्यायालय ने यह पाया कि आरोपी लालू प्रसाद वही हैं जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भारत सरकार में पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं। ऐसी स्थिति में मामला एमपी एमएलए विशेष न्यायालय को ट्रांसफर होने पर माननीय विशेष न्यायालय के द्वारा आरोपी के संबंध में स्थायी गिरफ्तारी वारंट के आदेश जारी किए गए।